प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी के सामने कोई नहीं है, मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ राधिका खेड़ा है, राधिका खेड़ा सब मिलकर भी आ जाए तो बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, गुजरात के डीएनए में बीजेपी है। अमीश जी, मैंने जैसे शुरुआत में कहा, अगर इतना अच्छा काम किया है तो दो सिलेंडर रेवड़ी बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर इतना अच्छा काम किया है तो आज मेधा पाटकर का नाम लेके क्यों आपको बोलना पड़ रहा है? जब मुख्यमंत्री थे तो बहाने ढूंढते थे, अब प्रधानमंत्री हैं तो सिर्फ प्रचार करते हैं और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वोट चाहिए तो कहिए ना कि मैंने गुजरात में इतना अच्छा काम किया है, मैंने मोरबी का पुल बनाया है जो मेरे वहां होते हुए गिर गया, मैंने गुजरात में इतना अच्छा काम किया है कि मुझे आज हर घर में दो मुफ्त सिलेंडर देने पड़ रहे हैं, प्लीज मुझे वोट दे दीजिए, प्लीज मुझे वोट दे दीजिए। विक्टिम कार्ड खेल रही है बीजेपी, इन चीजों पे उतरना पड़ रहा है, क्यों आपको विक्टिम कार्ड खेलना पड़ रहा है? राधिका जी, ये कौन सा राधिका जी, क्यों नहीं आपको मैंने 50 सेकंड दिए? राधिका जी सबसे आखिरी नंबर पर मिस खेड़ा, राधिका खेड़ा जी, मेरा सवाल है, आपने बोला ये कौन सा कार्ड है जिसमें इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है, और कांग्रेस पार्टी को अगर कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है। चंदन ठाकुर जो है कांग्रेस के विधायक है, इस बात ऐसी बात कह रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? अमीश जी, मैंने ये सुना नहीं है तो मैं जानती नहीं है, सुनवा देता हूं मैं आपको, नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, अगर ये आप बयान है, ये बयान है जिसमें मैंने देखा नहीं, मैं पहले देखना चाहूंगी, ट्वीट कर रही है लेकिन आप कहती हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, यहां तो चंदन ठाकुर क्लियर कट मुसलमान कर रहे हैं, क्या कहिएगा? परमार क्लियर कट मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करती है, तुष्टिकरण की राजनीति करती है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है तो हमने हर चुनाव में देखा है। मैं जैसे फिर बोलूंगी कि क्यों नहीं यहाँ पे बात करी जा रही, क्यों नहीं आप पूछ रहे कि क्यों मोदी जी आज इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि हर घर में दो सिलेंडर देने ठीक है। मेरे साथ कपिल मिश्रा जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा जुड़ रहे हैं। कपिल मिश्रा, चंदन ठाकुर कहते हैं कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है, और कांग्रेस पार्टी को कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज ही बचा सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने जब सवाल पूछा तो उन्होंने बोला उन्होंने इस बयान को नहीं सुना, और बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान करती है और फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं नरेंद्र मोदी। सबसे पहले तो अमीश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि बाहरों फूल बरसाओ हमारा स्टार कैंपेनर आया है, बहुत दिनों के बाद आया है। हम तो गुजरात में इंतजार कर रहे थे कि राहुल बाबा कब गुजरात आएंगे, ऐसा लग रहा था गुजरात से बच के निकल जाएंगे, पर आज गुजरात में आए हैं, दो दिन यहाँ पर रहेंगे। एंटरटेनमेंट ये गुजरात में होने जा रहा है, और चंदन ठाकुर उनकी जगह भरने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस को गुजरात के चुनाव को गंभीरता से जिस प्रकार से लेना चाहिए था वैसे नहीं लिया है, और अब अपने छूटते हुए वोट बैंक को जिसके भरोसे कांग्रेस राजनीति करती है उसको बचाने के लिए चंदन ठाकुर से या अन्य लोगों से इस प्रकार के बयान दिलवाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि गुजरात के मुसलमान को भी पता है कि कांग्रेस कितनी सीरियस है और कितनी नॉन सीरियस है, और ये डेस्परेशन जो उनके बयान में दिखाई दे रही है वो डूबती हुई कांग्रेस की तरफ इशारा करती है। ठीक है, राधिका खेड़ा, डूब रही है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस डेस्परेट हो रही है, पॉलिटिकल डेस्परेशन की बात कर रहे हैं कपिल जी। अमीश जी, पता नहीं ये जो अभी बोल रहे थे कौन साहब है, क्योंकि मेरे आगे टीवी नहीं है, मैं नहीं जानती। कपिल मिश्रा आवाज से मैं पहचान नहीं। आपने भी विधायक का चुनाव लड़ा है, इन्होंने भी विधायक का चुनाव। कपड़े और आवाज से लोगों को पहचान लूं? जी जी, मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है कि मैं कपड़े और आवाज से लोगों को पहचान लूं, क्योंकि मुझे टीवी नहीं दिख रहा। आई बात कि जो कह रहे थे राहुल जी के ऊपर तंज कसा जा रहा था, करिए, हम समझ सकते हैं कि जो ये लंबी भारत बचाओ यात्रा चल रही है जिसमें हम भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो तुष्टिकरण की राजनीति है उससे भारत को बचाने का काम कर रहे हैं, वो सबको बहुत खटक रही है। और किन लोगों को खटक रही है? सिर्फ उन्हीं लोगों को खटक रही है जो भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना, वो खुदकापन सबका दिखाई दे रहा है, पर ठीक है, अच्छा है, असर हो रहा है। अब आई दूसरी बात, ठीक है, जवाब लेते हैं कपिल मिश्रा जी, जवाब लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से तिल मिला गई है बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी कि क्यों घर में दो दो सिलेंडर देने का काम किया जा रहा है? जवाब लेते हैं कपिल मिश्रा, जवाब एक एक करके। कपिल मिश्रा, प्रधानमंत्री मोदी भी इसलिए घबराए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा से, पूरी बीजेपी डर गई है, आप लोग डर गए हैं भारत जोड़ो यात्रा से, घबराए हुए हैं? हाँ, हम तो बहुत घबराए हुए, हमें लग रहा है, देखो, कांग्रेस भारत जोड़ते जोड़ते गोवा से खत्म हो गई, भारत जोड़ते जोड़ते राजस्थान में खत्म होने की स्थिति में आ गई, अशोक गहलोत जी बगावत कर रहे हैं, भारत जोड़ते जोड़ते कभी दिल्ली के लोग छोड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की पूरी कांग्रेस ही छोड़ के चली गई है। तो हमें तो सच में ये बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि ये जोड़ते जोड़ते
जहां तक पहुंच गए थे, केरल तक पहुंच गए थे, कहीं हिंद महासागर की तरफ ना पहुंच जाए, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं हम लोग। राधिका जी वो कह रहे काफी डर लग रहा है कि कांग्रेस हिंद महासागर की तरफ ना चले जाए। बीजेपी कहती है ये भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो है, और ये भारत बचाओ नहीं कांग्रेस बचाओ है, और वो भी नहीं हो पा रहा ठीक से। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की कांग्रेस छोड़ के चली गई, ये चली गई, सर व्हाट्सएप फैक्ट्री से बाहर निकली है, जम्मू कश्मीर की कोई कांग्रेस कहीं नहीं गई। अगर एक नेता अपनी स्वयं की इच्छाओं को आगे बढ़ाने के लिए और पार्टी से अपने आप को ज्यादा समझता है, जिस पार्टी ने उनको वो बनाया, तो उसके आगे मैं नहीं कहूंगी, ऐसी दगा अगर अपनी माँ को देता है तो वो उनको मुबारक हो ऐसी तकदीर। लेकिन मैं फिर कहूंगी ये जो बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, जिस तरीके से आम जन मानस जुड़ रहा है, आपने देखा है किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं रोती हुई आंसू बहाती हुई आके लिपट जाती है राहुल जी से, क्यों? बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले अमित मालवीय ने ट्वीट करा एक वीडियो, अमित ओके राधिका कह रहा अमित मालवीय